गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके फ्रेंड्स, इसका नाम है मतलब अनेक शब्द का एक शब्द। अभी मैं यह क्लास जो है एयरफोर्स को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 10 तारीख को और 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है एयरफोर्स का, उसको मैं ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको कॉल करके बताया, मैसेज भी किया कि थोड़ा आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता दीजिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं सेलेक्टेड, जैसे पार्ट वन है पार्ट टू है, मैं 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने वाला हूँ। आज के क्लास में हम लोग 20 देखेंगे, कल के क्लास में हम लोग आगे के 20 देखेंगे। इसमें से फिक्स है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यहाँ से आएगा, या NDA की तैयारी कर रहे हो, या एयरफोर्स की या ITI की तैयारी में है आप, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अभी टेट में क्वेश्चन आया था इसे 2 नंबर का, वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जिसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, निगेटिव चीज़ को देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं, ये सब के सब आते हैं परीक्षा में। मैं सेलेक्टेड लेकर आया हूँ, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला हम लोग लिखेंगे बोर्ड पे, पहला हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है अ पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज ओपिनियंस। अ पर्सन PERSON, अ पर्सन हु, अ पर्सन हु कीप्स, है ना, CHANGE, चेंजिंग, GING, चेंजिंग हिज ओपिनियंस, OPINIONS, ओपिनियंस। जो व्यक्ति अपना ओपिनियन चेंज करते रहता है, अपने विचार को चेंज करते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्न कोट बोलते हैं, TURNCOCOAT, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलो। जो व्यक्ति अपने विचार को हमेशा बदलते रहता है, आजकल आज कुछ और कल कुछ और, तो उसको आप टर्न कोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्न कोट। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे सेलेक्टेड, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, क्योर लिखेंगे CURE, क्योर फॉर, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डिजीज, DISDIS, ओके, EASE, डिजीज, DISEAS, क्योर फॉर ऑल डिजीज। इसका मतलब कि ऐसा मेडिसिन हो जो सारे रोगों का निवारण करता हो, क्योर माने क्या करता हो, उपचार हो, माने सारे रोगों के निवारण को क्या कहा जाता है, दवा को, मेडिसिन को क्या कहा जाता है आपका, पेंसिया, क्या कहते हैं बाबू, पेंसिया, PANA, पेनेसिया, CEA, इसको आप हिंदी में रामबाण कहते हैं, पेनेसिया, क्योर फॉर ऑल डिजीज, सारे रोगों के निवारण को कहा जाता है पेनेसिया, आपको याद रहेगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर देख लेते हैं, कितना नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर लिखा है फियर ऑफ सेक्स, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, FEAR, फियर ऑफ सेक्स, मतलब जो सेक्स से डरते हैं उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, जेनोफोबिया, क्या कहा जाता है, GENO, जेनोफोबिया कहते हैं, फोबिया, जेनोफोबिया, जो सेक्स से डरते हैं उसको जेनोफोबिया कहा जाता है, क्योर फॉर ऑल डिजीज पेनेसिया कहा जाता है, और जो हर वक्त अपने बदलते रहता है क्या चीज़, टर्न ओपिनियंस को चेंज करते रहे, उसको टर्न कोट बोलते हैं। और चौथा हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, फोर नंबर देखने वाले हैं, गवर्नमेंट बाई द गॉड्स, है ना, जो जो जिस सत्ता को भगवान चलाते हैं, जिस सत्ता को अल्लाह ताला चलाते हैं, जिस सत्ता को परवरदिगार चलाते हैं, उस सत्ता को क्या कहते हैं, जैसे GOVERNMENT, गवर्नमेंट बाई द गॉड्स, गॉड्स नहीं लिखेंगे, GOD, गॉड, जिस सत्ता को, जिस चीज़ को हैंडल करते हैं भगवान, उसको क्या कहते हैं, थियोक्रेसी, धर्मशास्त्र, है ना, थियोक्रेसी, CRACY, धर्मशास्त्र। आप कह सकते हैं कि उसको आप थियोक्रेसी कहेंगे, धर्मशास्त्र, मतलब जिस सत्ता में भगवान की हस्तक्षेप हो, है ना, तो उसको आप थियोक्रेसी कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अब मिटाइए इसको फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए, आप इसको लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे आपका, जैसे
जो गवर्नमेंट को भगवान चलाते हैं, जिस गवर्नमेंट में जिस प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभाव गॉड कराते हैं उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन जो अगर ऑफिसर्स चलाते हैं जिस सरकार को, उसको क्या बोलते हैं? आइए मैं उसको बताता हूँ। देखिए, जो भी मैं वन वर्ड सब्सिट्यूशन लिख रहा हूँ आज, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, पार्ट वन है। और पार्ट वन में जो है आपको मैं 20 बताने वाला हूँ। आपका 5 नंबर लिखने चल रहे हैं, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। 5 नंबर लिखेंगे आप, इसको 5 नंबर ऐसे GOVERNMENT, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। क्या लिखेंगे? OFFICIALS। जो सरकारें, जिस सरकार को ऑफिसर्स चलाते हैं उसको आप क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी, BU, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, है ना, RA, ब्यूरो लिखेंगे CRA, CRACY, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU CRACY। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। जो अक्सर आप टीवी पर सुनते हैं कि यह सरकार नौकरशाह हो गई है ना, मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स से अपनी बात मनवाती है ज़बरदस्ती, तो आप उसको समझेंगे। अब देखिए, जो ऑफिसर्स लोग सरकार को चलाते हैं उसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। लेकिन जो डिक्टेटर चलाते हैं, है ना, डिक्टेटर, डिटेक्टर, जैसे गवर्नमेंट बाई द, अब यहाँ ऑफिशियल की जगह पर क्या लिखेंगे? डिक्टेटर्स लिखेंगे, लिखेंगे डिक्टेटर। तो उसको अब क्या कहेंगे? जिस सरकार को तानाशाह चलाते हैं उसको अब क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? AU, है ना, TOCRA, TOCRACY, ऑटोक्रेसी। जिस सरकार को ऑफिसर्स चलाते हैं उस सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, और जिस सरकार को तानाशाह चलाते हैं, है ना, हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह, तो उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं, माने आप तानाशाही, उसको क्या बोलेंगे? तानाशाही। ध्यान दे देंगे तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम लोग 7 नंबर पढ़ रहे हैं। कितना नंबर पढ़ेंगे? 7 नंबर। जैसे मैन हैविंग द क्वालिटी ऑफ वुमेन, है ना, मैन हैविंग, HAVING, हैविंग, मैन हैविंग द क्वालिटीज, QUALITIES, क्वालिटीज ऑफ वुमेन, WOMAN, इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति में औरतों वाली गुण होती है उसको क्या बोलते हैं? जैसे बहुत ऐसे मेल हैं, मैन है, जिसके अंदर ज़्यादा लक्षण औरत वाली होती है, मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, है ना, वुमेन जो होती हैं औरतें, उनके अंदर जो गुण रहता है उसको आप जानते हैं, इफिमिनेट बोलते हैं, औरत वाली लक्षण, इफिमिनेट, EFFE, इफी, है ना, मिनेट, MENAT, इफिमिनेट, औरत। ये तो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। तो आप कितना नंबर देख लीजिए? 7 नंबर। वन वर्ड सेक्शन में कितना नंबर देख लीजिए? 7 नंबर। अब 8 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 8 नंबर आपको ध्यान देना है, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, वन हु FIGHT, फाइट्स फॉर द सेक, SAK, सेक ऑफ मनी, MONEY, वह व्यक्ति जो पैसे के लिए लड़ाई करता है, मतलब उसके लाइफ में पैसा छोड़कर बाकी कोई ऐसा चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं है। वन हु फाइट्स, जो व्यक्ति पैसे के खातिर, सेक माने क्या होता है? खातिर, जो पैसे के खातिर हमेशा युद्ध करता है, लड़ाई करता है, किसी को मार देने की दिमाग में प्रवृत्ति रखता है, उसको क्या बोलते हैं? मर्सिनियरी। क्या बोलते हैं? मर्सिनियरी, लोभी।
उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम ई आर, बोलते हैं एम ई आर सी ई एन ए आर वाई, सी ई एन ए आर, मर्सिनरी, मर्सिनरी बोलते हैं। तो आप समझ गए, जो बहुत ज़्यादा औरतों की गुण वाली मर्द होते हैं उसको एफिमिनेट बोलते हैं, और डिक्टेटर्स किसको बोलते हैं, डिक्टेटर, डिक्टेटर माने तानाशाही, ऑटोक्रेसी, है ना, आप समझ गए, ऑटोक्रेसी, जो ऑटोक्रेसी किसको बोलते हैं, जो तानाशाह के द्वारा सरकार चलाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं, जो ऑफिसर्स के द्वारा सरकार चलाया जाता है ना, और आप इसको मर्सिनरी कहेंगे किसको, जो पैसे के खातिर किसी को कुछ भी कर सकता है उसको। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे, 9 नंबर, चलिए इसको मिटाते हैं, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको साथ साथ लिखते चलिए, ओके, इसको आप साथ साथ लिखते चलिए। आप इसको साथ साथ लिखते चलिए। चलिए अब 9 नंबर देख लेते हैं, और 9 नंबर लिखा है वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग, लिखा हुआ है वन हु एच ए टी एस हेट्स नॉलेज के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी नॉलेज एंड लर्निंग, है ना, एल ई ए आर एन आई एन जी, जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से नफरत करता है, नॉलेज से नफरत करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है, मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है विद्याद्वेषी, मिसोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, विद्याद्वेषी, वैसा व्यक्ति जो नॉलेज से और पढ़ाई लिखाई से नफरत करता है उसको मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये आपका 9 नंबर हो गया, ओके। अब हम लोग 10 नंबर देखेंगे, कितना नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, 10, चलिए 10 नंबर। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ को आप बहुत अच्छा से याद, ये आपका 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर देखिए, वन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ कंट्री, वन लिखेंगे वन हु इज नॉट द सी आई टी ई, है ना, सिटीजन लिखा हुआ है सी आई टी आई जेड एन, सिटीजन ऑफ कंट्री सी ओ यू एन टी आर वाई, जो व्यक्ति देश का नागरिक नहीं हो उसको आप क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए एल आई ई एन, एलियन का मतलब होता है विदेशी, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एलियन, याद रखना है, एलियन, एलियन बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, जो देश का नागरिक नहीं हो उसको आप क्या कहेंगे, एलियन कहेंगे। अब चलिए हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं, 9, 10, 11, वन हु लुक्स एट द वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार टीचर में पूछा गया था, जो व्यक्ति वन हु एल डबल ओ के वन हु लुक्स द बी आर आई जी एस टी ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स टी एच आई एन जी एस वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखता है, वह व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखता है उसको आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, है ना, मतलब कोई भी काम करने जाता है उसको लगता है कि हम इस काम को कर सकते हैं या यह काम हमसे हो जाएगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। लेकिन अगर 12 नंबर लिखेंगे, वन हु लुक्स द डार्क साइड, क्या लिखेंगे, अब यहाँ ब्राइट के जगह डार्क लिख देंगे, डी ए आर के, डार्क साइड ऑफ द थिंग्स,
जो व्यक्ति किसी पक्ष को निगेटिव तरीके से देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पेसिमिस्ट। ध्यान देना है, PESSI, सॉरी पेसिमिस्ट। हाँ पेसिमिस्ट, MIST, पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। उसको निराशावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? निराशावादी। तो आप समझ गए, जो नॉलेज से नफरत करता है, पढ़ाई लिखाई से नफरत करता है, उसको मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो देश का नागरिक नहीं होता उसको एलियन बोलते हैं। जो ब्राइट साइड को देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। जो निगेटिव साइड को देखता है उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। अब हम लोग कितना पढ़ेंगे? 13 नंबर पढ़ेंगे। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वन हु रीड्स ओनली बुक्स, वैसा व्यक्ति जो सिर्फ किताब ही में लगा रहता है, रात दिन किताब पढ़ता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, अगर पूरा क्लास को देखना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे क्लास को मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, है ना। जाइए, अभी पूरा क्लास हमने इसको आगे दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लास हमने दिया हुआ है फेसबुक पेज पे, एक से लेकर बहुत ज़्यादा चीज़, वन वर्ड्स ऑप्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, फेसबुक पेज पे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कितना नंबर? 13 नंबर। 13 नंबर शुरू करेंगे हम लोग। 13 नंबर लिखते हैं, वन हु रीड्स ओनली बुक्स, लिखा हुआ है वन हु रीड्स ओनली बुक्स। आपका यहाँ हो गया 13 नंबर, वन लिखेंगे, वन हु रीड्स, READS, वन हु रीड्स, वन हु रीड्स ओनली बुक, जो सिर्फ किताब पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? बुक वर्म। क्या बोलते हैं? बुक वर्म। लिखेंगे BOOKWORM, WORM। बुक वर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। जो व्यक्ति रात दिन किताब में ही लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बुक वर्म बोलते हैं। ओके, अब हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। कितना देखेंगे? 14। चलिए हम लोग 14 देखते हैं। लिखा हुआ है, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, पर्सन, PERSON, पर्सन हु प्रिटेंड्स, PRETENDS, प्रिटेंड्स, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, मोर नॉलेज, KNOWLEDGE, व्यक्ति जो बहाना करता है अपने पास ज़्यादा ज्ञान होने की, मतलब वैसा व्यक्ति जो कहता है कि मेरे पास अपार ज्ञान है, हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं साल्टन, है ना। क्या बोलते हैं? साल्टन, CHAL, साल्टन, CHAR, CHAR, साल्टन, SALTAN, साल्टन। ध्यान देना है, साल्टन बोलते हैं, साल्टन, झूठा वैद, समझ रहे हैं ना, ये आपको ध्यान देना है। जैसे पर्सन हु प्रिटेंड्स, जो व्यक्ति यह बहाना करता है अपने पास ज़्यादा नॉलेज होने का, यह दिखावा करता है, उसको साल्टन बोलते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग 15वां देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज 15 ही बता दूँ, आगे 15 में बता दूंगा, उसके बाद 3 पार्ट में कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि बहुत बोर हो रहा है, तो इसलिए मैं लास्ट जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्लेस विच प्रोवाइड्स, है ना, लिखेंगे द प्लेस, PLAC, द प्लेस विच प्रोवाइड्स, PRO, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? PROVIDES, द प्लेस विच प्रोवाइड्स, वैसा जगह जो प्रोवाइड्स करता है बोथ, BOTH, बोथ, क्या क्या चीज़? लॉजिंग एंड फूडिंग, है ना। आप कह सकते हैं बोर्डिंग एंड BOARDING, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, LODGING, ध्यान देना है, LODGING।
मतलब वैसा जगह जहाँ आपको दोनों चीज़ मिलता है, भोजन और रहने का जगह, भोजन पानी भी रहने का जगह मिलता है, उसको इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इन, ध्यान देना है, INN, इन माने होटल होता है, ठहरने खाने पीने रहने के जगह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इन कहा जाता है, होटल कहा जाता है। तो आज के वन वर्ड सेक्शन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 देख लिए, कल के क्लास में हम लोग आगे 15 देख लेंगे, उसके बाद जो हम 40 पढ़ाने वाले थे 45 पढ़ा देंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।